हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक प्योर टसर सिल्क का दुपट्टा लेकर के आई हूँ। ये देखिए, ये प्योर टसर सिल्क है, बहुत ही फाइन क्वालिटी है, बहुत पतला सा है। इसके नीचे इस तरह से झालर लगा रहता है तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। इस दुपट्टे में मैं एक साइड बनाई हुई हूँ, एक साइड मैं बना रही हूँ, जो कि एक साइड का नीचे का पार्ट थोड़ा सा बन गया है, इसे मैं आपको दिखा रही हूँ। सेम चीज मैं दूसरी साइड बनाऊंगी, तो जैसे जैसे मैं बनाऊंगी वैसे वैसे आपको बताती जाऊंगी, और आप फिर आप अपने लिए भी उन वीडियोस को देख करके आप अपने लिए भी वो दुपट्टा बना सकती हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये जो फूल का ये बॉर्डर है, इस बॉर्डर से मैं इसको चारों ओर इसे बनाई हूँ, जिससे कि इसको ब्लॉक करने के लिए। इसके बाद मैं मछली का मोटिव डाली हूँ, ऊपर की ओर खड़ी खड़ी मछली है। इसके बाद फिर इसे इसी फूल और पत्तियों से ब्लॉक कर दी हूँ। इसके बाद ये मोर है, जो कि सुंदरता का प्रतीक होता है, इसलिए मोर को डाले हैं। मोर को डालने से चीजें बहुत सुंदर भी लगती हैं, इसलिए भी डाले हैं। तो फिर हर लाइन, हर एक मोटिफ के बाद इसको ब्लॉक कर दिए हैं उसी फूल और पत्तियों से। इसके बाद फिर मछली को दिए हैं। इसमें मैं इतनी बार मछली इसलिए दी हूँ क्योंकि आप जानती ही हैं कि मिथिला में मछली को जो है बहुत ही शुभ माना जाता है, तो ये शुभता का प्रतीक है। तो इसलिए जो है मैं इस वाले दुपट्टे में दो बार जो है ऊपर नीचे दो बार मछली का ही मोटिव डाली हूँ। इसके बाद मैं और कोई भी ह्यूमन फिगर डालूंगी। तो दोस्तों, ये बताइएगा आपको कैसा लगा, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि जब मैं इसके दूसरी साइड बनाऊंगी तो मैं इसको बनाते हुए आपको बताती जाऊंगी, जिससे आप भी अपने लिए बहुत ही आसान तरीके से अपने लिए एक दुपट्टा बना सकती हैं। मेरे उस वीडियो को देख करके जैसे जैसे मैं बनाती जाती हूँ, उस हिसाब से आप भी बनाते जाइए, तो आपके पास भी एक दुपट्टा बन जाएगा। तो दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कीजिएगा, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि जब इसके दूसरी साइड जब मैं इसी चीज को बनाऊंगी तो आपको पता चलेगा किस तरह से मैं बना रही हूँ, और फिर आप भी उसको अपने लिए बना सकती हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।